कानून के दायरे में रह के पूरे देश में आंदोलन करेंगे हम लोग। कानून के दायरे में रहते हुए वो भी आंदोलन करेंगे। अब हमारी जो है राष्ट्रीय टीम जो है बनी हुई है उस पर निर्णय लेगी, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। अगर FIR होता है तो ये खुद पुलिस उकसा रही है, कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरए न्यूज और मैं हूँ आपके साथ निभा सिंह। इस वक्त बिहार और झारखंड के प्रोफेसर हमारे साथ है। सबसे पहले हम सर का परिचय उन्हीं के मुंह से लेते हैं। सर, नाम क्या है आपका? M.K. भारती मेरा नाम हुआ। केमिस्ट्री का मैं प्रोफेसर हूँ और मेरी बुक भी चलती है, मैं ऑथर भी हूँ। और अभी गोल इंस्टीट्यूट में, इसके पहले था आकाश इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर था मैं, फिर सुपर 30 में भी क्लास ले रहा हूँ, गोल इंस्टीट्यूट में क्लास ले रहा हूँ, केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ मैं। और कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो पूरे हिंदुस्तान में चलता है, तो प्राइवेट शिक्षकों का एक फेडरेशन है और बिहार कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी CFI के मैं प्रेसिडेंट हूँ, बिहार प्रेसिडेंट हूँ। आज मिलने आए खान सर? हाँ, जब मालूम हुआ आप ही लोग के माध्यम से तो मैंने सोचा कि आज मिल करके और मामले का कुछ गहराई तक जाने की कोशिश करूँ और इसमें क्या क्या बातें हो रही हैं प्रशासन से और हमारे जो FIR हुआ जिन शिशुओं पर या जिन स्टूडेंट्स पर, उसके बारे में मैं स्टडी करूँगा। हम लोग सारे मिलकर के स्टडी करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उन पर क्या हम लोग विचार करते हैं। लोग कब जानकारी हुई कि खान सर पर FIR हुआ है? अभी आप ही लोगों के माध्यम से मालूम हुआ। अभी है। जी, यहाँ पे आए तब? हाँ, यहाँ पर जब क्रॉस कर रहा था तो सोचा कि खान सर से मिल लें। अच्छा। क्योंकि CFI के आइकॉनिक मेंबर हैं वो पूरे हिंदुस्तान का, और हमारे CFI के बहुत अच्छे सपोर्टर भी हैं, और इसीलिए जब मालूम हुआ कि खान सर पर ये केसेस चल रहे हैं या FIR किया गया है, तो हम लोग सब मिलकर के यहाँ पर आए हैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए कि वास्तविकता क्या है। कल बात हुई थी, किससे बात हुई थी खान सर का? जी, क्या बोले थे खान सर? जी, खान सर से कल मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि मुझे FIR के बारे में कोई पता है नहीं और कुछ व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि मेरे ऊपर FIR किया गया है, लेकिन अभी तक हमें कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर ऑफिशियल रिपोर्ट होगा तो हम CFI को हम ये करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। तो CFI कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हमेशा उनके सपोर्ट में रहेंगे, अगर तो उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे, देखेंगे कि कहाँ तक ये गहराई तक जाता है, कहाँ तक मामला। सर, तो मिले नहीं आप लोगों से? नहीं, मुलाकात नहीं, जानकारी भी नहीं है फिलहाल। नहीं, जानकारी भी नहीं। फोन किए खान सर को? फोन कर रहे हैं लेकिन वो स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ कर दिए। क्या लगता है कहाँ होंगे खान सर और क्यों यहाँ से चले गए? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, उनका तो सेंटर भी नहीं मालूम था मुझे, नहीं पता था। आप लोग तो बिहार के हैं ना? पटना के ही हैं। तो क्या लगता है कहाँ क्यों चले गए खान सर? खान सर या कोई भी टीचर कहीं जाने वाला नहीं है, वो सामने आएंगे और अगर सरकार ने अगर FIR किया है तो मैं आपके TV चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि देखिए, खान सर को हम लोग पर्सनली जानते हैं और कोई भी शिक्षक जो होता है वो समाज का निर्माता और देश का निर्माता होता है, तो कोई भी अच्छा शिक्षक कभी स्टूडेंट को भड़का नहीं सकता है, उकसाएगा नहीं। क्योंकि रेल जो है वो हमारी संपत्ति है और कोई अपने संपत्ति को क्यों नुकसान पहुंचाएगा? अगर FIR हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार को बैठ के कोई निर्णय निकालना चाहिए, बात करने से बहुत सारा रास्ता निकलता है। तो टीचर जो है, या हम आपके माध्यम से बच्चों को बोलना चाह रहे हैं, शिक्षक समाज को बोलना चाह रहे हैं, पुलिस को बोलना चाह रहे हैं कि सारे लोग संयम बरते और बात करें, क्योंकि बात करने से रास्ता निकलेगा। कहीं ना कहीं शुरुआत इस चीज़ मतलब समझाना या फिर बच्चों को अवेयर करना, वो अवेयर कह सकते हैं, भड़काना नहीं कर सकते। जी, 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 जी। तो अवेयर करने को लोग भड़काना बोलने लगे, पुलिस बोले कि बच्चे उग्र हो रहे हैं, तो खान सर के बोलने पर ही हो रहा है। नहीं, खान सर से कल बातचीत हुई भी और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई र्यूमर फैला दिया है कि हम लोग शिक्षक लोग उन लोगों को उसका रहे हैं, लेकिन कोई भी टीचर कभी भी बच्चों को नहीं उसका सकते हैं, क्योंकि भविष्य के निर्माता बनाते हैं टीचर बच्चों के लिए। अगर FIR होता है तो ये खुद पुलिस उकसा रही है, कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर रही है। बच्चे फेंके हैं, जलाया गया है, बहुत गलत हुआ है, एकदम खिलाफ है। हम सर भी खिलाफ, एकदम खिलाफ है, बिल्कुल नहीं। अरे, देश का संपत्ति, देश मेरा है, मेरा संपत्ति है, मेरा देश है, मेरा रेल है, अगर कोई भी नुकसान पहुंचाता है उसके विरोध में हम लोग मानते हैं कि एक तो बच्चों को जॉब नहीं दिया जाता और जब जॉब निकाला, फॉर्म भरते हैं बच्चे पैसे दे करके, उसका एग्ज़ाम 5 साल बाद लिया जाता है, रिजल्ट 5 साल बाद दिया जाता है, उसके बाद इतना हंगामा किया जाता है, तो क्या सरकार सिर्फ अपना झोली भरने के लिए क्या फॉर्म भरवाते हैं बच्चे से? सीधे तौर पर देखा जाए तो लगता तो यही है कि सरकार जो है बस केवल टाल रही है। वो सरकार को जॉब नहीं देना चाहिए? नहीं, कहीं पूरा मंशा है ही नहीं है,
कोई आईएएस तो प्राइवेट किया जा रहा है, आईएएस ऑफिसर की, आईएएस ऑफिसर की थोड़ी कोई जॉब है, ये तो रेलवे कर्मचारी की जॉब है, टुटपुंजिया जॉब है, ग्रुप डी की जॉब है, तो वही बात है, ग्रुप डी की जॉब, दो एग्जाम हो रहा है। तो मेन बात ये है, आप झारखंड से आए हुए हैं तो खान सर से मिलने, खान सर से मुलाकात नहीं? जी जी। क्या के प्रोफेसर हैं आप? मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। केमिस्ट्री, क्यों आए खान सर से, क्या बात करनी थी? पहला नंबर की हम लोग को खान सर से बात करनी थी कि इस कोविड काल में बहुत सारे शिक्षक जो आत्महत्या कर लिए हैं, जैसे औरंगाबाद में एक शंभू सर थे, उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली है, अभी परसों दिन की रिपोर्ट है, उनके लिए जो है कैंडल मार्च भी निकाला गया। और साथ ही जब औरंगाबाद में हुआ ये सब मामला जो हो गया, तो उसके बाद पता चला खान सर के बाद, तो खान सर एक शिक्षक हैं, हमारे समुदाय के हैं, शिक्षक का काम होता है देश को निर्माण करना, जिसके द्वारा आईएएस ऑफिसर लोग अनेक प्रकार के जो बन रहे हैं शिक्षक के द्वारा ही। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो भी बातें अगर शिक्षकों के प्रति होती है, तो हम लोगों ने उनसे मिलकर क्या बात है क्या चीज़ नहीं है उनको समझने के लिए आए हुए थे। और अब आप लोग इस विवाद में ही क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए थे? क्योंकि आपको पता है अभी का सिचुएशन क्या है। सिचुएशन देखिए, अभी जो आने के लिए कुछ भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या जो होती है तब ही आते हैं हम लोग। मतलब आप लोग भी उनके सपोर्ट में खड़े हैं, जितने टीचर्स हैं? देखिए सपोर्ट क्या होता है, जैसे मैं तो जाने शिक्षक हैं किस तरह के हैं, जाकर मिलेंगे क्या मैटर है, मैं तो वहाँ से आया हूँ। जानने के बाद जो हो गया कि हमारी जो भी लीगल टीम भी है राष्ट्रीय स्तर पर जो हो गया, तो वे लीगल टीम जो भी बोलेगी कि नहीं कि ये उचित है क्या अनुचित है, एफआईआर कॉपी को हम लोगों ने लेंगे, उस पर जो है हमारी लीगल टीम जो है सुप्रीम कोर्ट के उसमें लगे हुए हैं, तो उन लोगों ने पढ़ेंगे स्टडी करेंगे क्या मैटर्स है। और हमारे राष्ट्रीय टीम जो हो गया यहाँ के लोगों प्रशासन से जो बात करेगी, और उसके बाद जो है जो भी निर्णय होगी उसके द्वारा हम लोग कार्य करेंगे। कल को हो करके अगर खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर एफआईआर है, तो आप सब टीचर लोग क्या करेंगे? मैम जैसा हम लोग का अवर लेवल मैनेजमेंट कहेगा उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। जैसे हम लोग गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो सही रहेगा। जैसे हमारे सर सही है या कहीं ना कहीं गलत है? नहीं मैम, मैं ये मानता हूँ कि अभी तो हम लोग उतना देखे भी नहीं है, हम लोग खुद जानकारी लेने आए हैं। अगर एफआईआर हुआ है तो हम लोग भी देखने आए हैं कि एफआईआर की कॉपी हम लोग लेंगे, क्या लिखा हुआ है, उसी हिसाब से फिर जो सर ने जैसा बताया करेंगे। अगर एफआईआर हो गया है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे? कानून के दायरे में रह के पूरे देश में आंदोलन करेंगे हम लोग। हाँ, कानून के दायरे में रहते हुए वो भी आंदोलन करेंगे। इसमें अगर गलत होगी तो हमारे लीगल टीम के द्वारा जिस तरह से जो दी जाएगी सूचना, जो कि ये गलत है तो गलत है, इसलिए कि गलत और सही का निर्णय हम लोग नहीं कर सकते। उसके लिए प्रशासन से हमारी जो हो गया एक नियम संविधान में बनाया गया है, उस संविधान के लिए हमारे लीगल टीम ऑलरेडी है, तो वे संशोधन करेगी, संशोधित करेगी, और उसके बाद हम लोग को बोलेगी, तब हमारी जो है राष्ट्रीय टीम जो है बनी हुई है उस पर निर्णय लेगी, उसके बाद हम लोग काम करेंगे।